हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है, डिस्चार्ज थ्रू एन एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस। जो हमारा सिलिंड्रिकल माउथपीस है, उसमें जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका अपन फॉर्मूला इसमें ज्ञात करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, मैं बताऊँगा। इसमें एक हेड लॉस आता है, इस प्रूव करो कि हेड लॉस है वो इसके बराबर होता है, वेलोसिटी हेड लॉस होता है वो इसके बराबर होता है। तो अब इसको भी प्रूफ करके बताएंगे अपन, और दो क्वेश्चन बनते हैं इससे। पहला क्वेश्चन ये, डिस्चार्ज थ्रू एन एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस। अभी तक ऑरिफिस की अपन डेरिवेशन पढ़ाते हैं, माउथपीस का एक डेरिवेशन है, तो ये माउथपीस का भी आज शायद पूरा कंप्लीट हो जाएगी यूनिट। पूरी यूनिट देख लें, जिसमें कि हमारा ऑरिफिस और माउथपीस के नाम से बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसमें जाके स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक माना कि टैंक है, ये जो माउथपीस उसके सेंटर से और जहाँ तक ये वाटर भरा हुआ है, पॉइंट वन लिखा है, यहाँ तक का जो हेड माना एच है, ये सी सी है, बेना कॉन्ट्रेक्टा है, जहाँ का एरिया क्या होता है, कम होता है। और जो यहाँ से जब आउट होगा, तो इसका जो एरिया अलग होगा, वो उसका एरिया माना ए है। जैसा यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, एक्सटर्नल सिलिंडर माउथ द जेड ऑफ द लिक्विड इंटरिंग इन टू द माउथ पीस कॉन्ट्रैक्ट टू फ्रॉम बेना कॉन्ट्रेक्टा एट अ सेक्शन सी सी एंड देन एक्सपेंड बियॉन्ड सेक्शन सी सी टू फिल द माउथ पीस। इसको मान लीजिए, सबसे पहले ए का एरिया ऑफ द माउथ पीस एट द आउटलेट, जो आउटलेट है यहाँ पर उसका एरिया क्या माना, स्मॉल ए। ए सी क्या माना, एरिया ऑफ द लिक्विड अबव द, नहीं सॉरी, ए सी माना एरिया ऑफ फ्लो एट बेना कॉन्ट्रेक्टर। बेना कॉन्ट्रेक्टर जहाँ पर एरिया कम होता है, ये दिख रहा है यहाँ पर, इसका जो एरिया माना, सी से डोनेट कर दिया, मतलब सी सी सेक्शन है बेना कॉन्ट्रेक्टर, तो एरिया ऑफ द एट बेना कॉन्ट्रेक्टर। एच का हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द सेंटर लाइन ऑफ द माउथ, जो माउथ पीस इसके सेंटर लाइन से जो ऊपर तक भरा हुआ है जहाँ तक लिक्विड, उसकी जो हाइट मानी एच है। बी क्या, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट द आउटलेट, जो यहाँ पर आउटलेट जो बाहर हो रहा है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको बी माना। बी सी क्या, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट द बेना कॉन्ट्रेक्टर, मतलब जहाँ पर एरिया कम है, क्योंकि इसका एरिया में अंतर है, यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ का एरिया का बी सी क्या माना, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट बेना कॉन्ट्रेक्टर। सी सी क्या माना, कॉफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, जो कि कॉफिशियंट होता है इसका बेना कॉन्ट्रेक्टर का, वो सी सी होता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कहाँ पर, इस सी 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 पर, क्योंकि सेक्शन दो होगा सी सी पर, और ए जब भी दो सेक्शन है तो फ्लो ज्ञात करने के लिए क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन, जैसे अपन जानते हैं ए वन बी वन इक्वल टू ए टू बी टू करते, लेकिन यहाँ पर इस सी सी वाले पर करेंगे और ए पर करेंगे, तो यहाँ पर जो अपन ने एरिया माना होगा और वेलोसिटी मानेंगे, वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर जो एरिया और वेलोसिटी मानेंगे। जैसे भी लिखा हुआ है ए सी और बी सी, मतलब जो यहाँ पर जो एरिया माना अपन ने ए सी बेना कॉन्ट्रेक्टर पर, बी सी का माना बेना कॉन्ट्रेक्टर पर ए वेलोसिटी, इक्वल टू जो आउटलेट है वहां पर जो एरिया माना और वहां पर जो वेलोसिटी मानी, ठीक है। ऐसा देखो, एरिया ऑफ माउथपीस एट आउटलेट और वेलोसिटी एट आउटलेट पर, तो इक्वल हो। अब बी सी अपन को वेलोसिटी निकालना है, तो बी सी इक्वल टू करेंगे तो ए बी, ए वाला कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ नीचे, तो ए बी अपन क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू। अब अपन को कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बनाना है, तो बी तो ऊपर रहेगा, ए ए ए कहाँ जाएगा, नीचे, तो ए सी तो जहां था वहीं पर है। अब मैथमेटिक के अकॉर्डिंग ए कहाँ जाएगा, बी ए सी के जस्ट नीचे, मैथमेटिक्स है, तो बी अपॉन ए सी अपॉन ए बी। अब अपन ये जानते हैं जो एरिया एरिया ऑफ फ्लो एट बेना कॉन्ट्रेक्टर अपॉन ए एरिया ऑफ द माउथ पीस एट आउटलेट, इन दोनों का जो रेशो होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। तो ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन का फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ बेना कॉन्ट्रेक्शन अपॉन एरिया ऑफ आउटलेट, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशो होता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, तो इसको किससे डोनेटेड किया है अपन, सी सी से, तो इसकी जगह अपन सी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन को जब न्यूमेरिकल लगाना तो सी सी की वैल्यू निकालना पड़ेगी, या तो एक इसकी कोएफिशिएंट वैल्यू होती वो अगर नहीं आती तो ए सी की और ए की वैल्यू अलग देंगे तो उससे निकाल सकते हैं, नहीं तो इसकी एक वैल्यू होती है ना, समथिंग कितनी, 0.62, तो ए सी सी की वैल्यू होती है, उस सी सी की वैल्यू कहाँ अपन इसकी जगह रख सकते हैं या इसकी जगह रख सकते हैं, तो बी सी ये है, बी सी इजकल टू बी अपॉन सी सी की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। अब क्या करते हैं, हेड लॉस, हेड लॉस अपन जानते हैं, हेड लॉस समझा देता हूँ। अब क्या है, यहाँ पर जो वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पर वेलोसिटी अलग हुई, तो कुछ लॉसेस होंगे वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी हेड लॉस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हेड क्या होता है अपन जानते हैं, वी स्क्वायर अपॉन टू जी, तो अब यहाँ पर वेलोसिटी में अंतर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी माइनस यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, तो दोनों में का स्क्वायर करके अपन कर देंगे टू जी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हेड लॉस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हेड लॉस क्या हो जाएगा, बी सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू जी, है ना, यहाँ पर जो वेलोसिटी माइनस यहाँ पर जो वेलोसिटी, क्योंकि एक वेलोसिटी रहती तो अपन बी स्क्वायर अपॉन टू जी होता है वेलोसिटी हेड,
लेकिन यहां पर अलग अलग वेलोसिटी है, तो उसको लॉसेस बता रहा है, तो बी सी माइनस वी अपॉन बी सी माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू जी, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरह ये हेड लॉस निकाल लिया। अब इसको क्या करते हैं अपन, ये जो बी सी है इसकी वैल्यू अपन यहां पर निकाल चुके हैं, तो इस ए जो वैल्यू उठा के कहां बी सी की जगह रख सकते हैं, तो उसने क्या किया, बी सी की जगह बी अपॉन 0.62 रख दिया, माइनस बी इसका जो हर स्क्वायर ऑलरेडी था अपॉन ये 2g। अब इसमें से दिख रहा है ये क्या है, अगर इसका ब्रैकेट खोल दिया जाए तो बी स्क्वायर हो जाएगा और 0.62 स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट क्या बी स्क्वायर दोनों तरफ हो जाएंगे, तो दोनों दोनों से क्या करते हैं अपन बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, जैसा कि डायरेक्ट यहाँ बी स्क्वायर कॉमन मैथमेटिक के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, तो क्योंकि ये अंदर बी है ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर करके डायरेक्ट निकाल लिया बी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा वन वन अपॉन 0.62 माइनस वन, जैसे लिखा हो वन अपॉन 0.62 माइनस वन और बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्योंकि अंदर बी था और स्क्वायर चढ़ा हुआ, तो बी स्क्वायर डायरेक्ट कॉमन ले लिया। अब इसको क्या किया, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, इसको इसको बी स्क्वायर अपॉन टू जी है जैसा कहते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए एल सी एम आ जाएगा इसका इंटू इसमें होगा, तो वन अपॉन में से जो वैल्यू जीरो वन माइनस 0.62 बटे 0.62, वन में से 0.62 घटा देंगे उसमें डिवाइड कर देंगे 0.62 का, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो उससे अपनी जो वैल्यू निकलेगी 0.375 आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.375, तो इसको यहाँ पर सीधा और सिंप्लीफाई करके लिख दिया सेम ए फॉर्मूला, और जिस सेम है 0.375 बी स्क्वायर अपॉन टू जी। ए प्रूफ करने के लिए आता तो अपन को यहाँ से, अगर प्रूफ करने के लिए आ जाता तो यहाँ से स्टार्ट करना है, डायग्राम बनाना है और यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर खत्म कर देना। अब आगे अपन को निकालना है डिस्चार्ज, तो उसके लिए अपन इसको क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन 8.12, ठीक है। दो पॉइंट है, बर्नौली इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे। बर्नौली इक्वेशन अपन बहुत पहले जानते हैं क्या होती है, पी अपॉन रोजी या फिर डब्ल्यू प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू दो सेक्शन पी टू अपॉन डब्ल्यू प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन। हेड लॉसेस की बात हो रही तो क्या आ जाएगा, एच एल हेड लॉसेस, वेलोसिटी हेड लॉस है ना। तो 8.1 पर पी वन बटे डब्ल्यू एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वन पे पॉइंट पे क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर बाहर का प्रेशर, तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा कोई, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों ही प्रेशर शायद जीरो हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही एटमोस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि इसमें हम फ्लूट की बात करते हैं, फ्लूट का प्रेशर की, ठीक है। तो जेड वन क्या है, एच वन, वी वन नेगेटिवल है क्योंकि इन साइड का है, तो वी वन ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही वी वन भी जीरो हो जाएगा, जेड वन एच है, जैसे कि मैं बता दूं जेड वन क्या है जी, यहां से है ना, जो लेवल है इसका नीचे से, कहां से, बॉटम से। तो एच वन क्या, जेड वन क्या होगा, एच होगा, जो हमारा हेड दिखा रहा था अभी, है ना, वो कहाँ से, सेंटर से, किसके माउथ पीस के सेंटर से जो ऊपर भरा हुआ है वो क्या, जेड वन है, और ये वी वन क्यों वाले, तो वो जीरो हो जाएगा। अब एक्स सेक्शन ए पर ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द माउथ पीस पी डब्ल्यू अपन टू एटमोसफेयर प्रेशर, जैसा मैंने अभी बताया था, वो भी जीरो हो जाएगा। अब क्या, वी टू स्क्वायर अपन टू जी इजकल टू वी स्क्वायर अपन टू जी, ठीक है। एक यहाँ पर जो दिखा रहा है वी टू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन टू जी, क्योंकि एक तो जीरो हो गया, तो ये क्या, जेड टू स्क्वायर टू जीरो है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हाइट एक ही दिखा रहा है माउथ पीस से ऊपर तक, तो वो दूसरा भी क्या हो जाएगा, जेड टू जीरो हो जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन, इसमें इसमें इक्वेशन में सारी वैल्यू निकाली उसको पुट कर देंगे, तो ये देखो जीरो है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ये भी जीरो है क्योंकि वी वन क्या, नेगलिजिबल है, ठीक है। एच क्या है, जेड वन इक्वल टू एच है, जो मैंने डायग्राम में बता चुका हूँ, इक्वल टू जीरो, ये क्या है, जीरो है क्योंकि ये भी एटमोस्फेरिक प्रेशर है, प्लस वी टू अपॉन टू जी, ये क्या, क्योंकि वी वन वी टू था तो अब ओनली एक ही वेलोसिटी है, तो उसको डायरेक्ट उसने टू और वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो वी टू अपॉन टू जी डायरेक्ट लिख दिया, प्लस जेड टू जीरो है। हेड लॉस जो अपन ने निकाला हुआ अभी एच एल, ये जो निकाला हुआ है इसको रख दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना हो अपना आंसर आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको एच, यहाँ पर एच बचेगा, ये दो जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर ये दो जीरो हटा के बी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस ये वाली वैल्यू इक्वल टू, इसको अब दोनों में टू जी है तो टू जी नीचे कॉमन हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेंगे टू जी, ठीक है। यहाँ वन बी स्क्वायर प्लस 0.75 बी स्क्वायर, तो भी अब ए वन बी स्क्वायर इतने बी स्क्वायर, तो दोनों कैसे जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, या फिर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वन प्लस 0.75 हो जाएगा, तो वन इसको प्लस करेंगे तो 1.375 हो जाएगा, उसमें इंटू कर देंगे तो 1.375 बी स्क्वायर अपॉन टू जी हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कोई भी कर सकता है। अब उनको वी टू चाहिए, वेलोसिटी चाहिए,
है ना, क्योंकि तभी डिस्चार्ज निकलेगा, वेलोसिटी इंटू एरिया होता है डिस्चार्ज। वेलोसिटी चाहिए तो वी स्क्वायर अपन ये क्या हो जाएगा, टू जी अपन इधर पहुंच जाएगा, तो वी स्क्वायर इजकल टू टू कहाँ हो जाएगा, एच में इंटू हो जाएगा, और ये जो ऊपर की 1.375 नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर वी स्क्वायर इजकल टू, ये वी स्क्वायर इजकल टू टू जी कहाँ पहुंच गया, एच इंटू टू जी, ए 1.375 कहाँ गया, नीचे आ गया। अब वी स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे दूसरी तरफ, क्या रूट चढ़ जाता है वी स्क्वायर, इस पे क्या रूट चढ़ गया, टू जी एच अपॉन 1.375। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसमें इसको डिवाइड कर देंगे जो भी आएगा उसको बाहर निकाल लेंगे, रूट उसका जो भी रूट आएगा, या इतना भी रख दो तो भी करेक्ट है। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दिया उसने, क्योंकि पहले के जी एच की जगह टू जी एच की जगह टू जी एच लिखा रहने दिया, वन अपॉन 1.3 में, यहाँ वन में इसका भाग दिया, जो भी वैल्यू आई उसका रूट निकाल लिया, तो रूट उसका आता है 0.855। ये ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं आप, जैसा आपको सिंप्लीफाई सिंपल लगे। ठीक है, आप कॉफिशियंट ऑफ वेलोसिटी अपन जानते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, कॉफिशियंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी क्या निकाली अपन, ए थ्योरेटिकल वेलोसिटी अपन जानते हैं क्या होती है, रूट के अंदर टू जी एच, जो अपने ऑफिस में पड़ी हुई थी, रूट के अंदर टू जी एच, और जे अपन ने थ्योरेटिकल वेलोसिटी अभी निकाली हुई, एक्चुअल वेलोसिटी निकाली है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो अब क्या इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, सी बीच कर लो 0.85, कॉफिशियंट ऑफ वेलोसिटी क्या बचेगा 0.85, ये दोनों कैंसिल 0.5। अब क्या फोर अ माउथ पीस सी सी कॉफिशियंट रिसर्व वन एज द एरिया ऑफ जेट ऑफ लिक्विड एट आउटलेट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ऑरिफिस एट आउटलेट। अगर ऐसा होता है तो अपन जैसे जानते हैं सी डी इक्वल टू सी सी इंटू सी सी, अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देख लें जो भी कंसेप्ट इसमें लग रहा है वो पिछले वीडियो में सारे पढ़ चुके हैं आप, क्योंकि हर बार इसको एक्सप्लेन करना इतना लंबा लंबा बताना मुश्किल होता है, तो आप पिछले वीडियो देख लें, इस ए सी डी है कॉएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ये भी निकाल के बता चुका हूँ, सी सी इंटू सी वी कैसे आता वो भी बता चुका हूँ। तो सी वी क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू इनका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकाली हुई है, और माउथ पीस क्या सी सी होता है, सी सी इक्वल टू वन एज द एरिया ऑफ जेट ऑफ लिक्विड एट आउटलेट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ऑरिफिस एट आउटलेट। ठीक है, दोनों को जेट का और ऑरिफिस का आउटलेट है वो अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, सी 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 इक्वल टू वन, तो वन की वैल्यू रख दी यहाँ पर, रख दी जो हमारी वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकाल के, तो इसकी जो इसका इसमें इसमें इंटू होगा 0.855 आएगा। अब क्या होती है, अपन डिस्चार्ज जैसा मैं बताया था, डिस्चार्ज इक्वल टू द सी डी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इसमें निकाल के रखा गया, इसलिए जो इतना कैलकुलेशन इसलिए किया कि नहीं तो अपन यहाँ से वी से यहीं पर खत्म कर देते। ठीक है, क्योंकि इन यहाँ तक प्रूव करके निकाल लिया, ये निकालना जरूरी था, इसके बाद अपन डायरेक्ट डिस्चार्ज भी निकाल लेते, लेकिन कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू निकालना जरूरी थी जो कि यहाँ यूज होगा। ठीक है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल एक्चुअल वेलोसिटी निकाल एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना अपन को सी डी, इसलिए कॉफिशियंट उसमें यूज हो रहा है इन टू, क्योंकि 100% किसी चीज़ की इफिशेंसी या वेलोसिटी नहीं होगी, इसलिए उसको अपन ने थ्योरेटिकल निकालना है। एरिया ऑफ द माउथ पीस एरिया अपन ने ए माना है, ठीक, इन टू थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होती है, रूट के अंदर टू जी एच, तो अपना इसको इंटू कर दिया, ये पूरी वैल्यू लिख के ए अपन यहाँ पर रखे, तो जो क्यू इजकल टू 0.855 ए रूट के अंदर टू जी एच, ये होगा डिस्चार्ज जब माउथ पीस से अपना कोई फ्लूड फ्लो हो रहा है। ये फॉर्मूला याद रखें फ्रेंड्स, तो ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये टॉपिक समथिंग मैंने अब इसकी न्यूमेरिकल लेके आऊंगा जब भी, अभी तो थ्योरी पूरी कंप्लीट कर दी, मैक्सिमम टॉपिक कवर करा दिए मैंने, है ना। इसमें दो क्वेश्चन होगा, एक तो अपन को ये डिस्चार्ज निकालना था, एक कैसे निकालते हैं ये बर्नौली इक्वेशन में अप्लाई कब करना, जब अपन हेड लॉसेस, दूसरा था प्रूफ करने के लिए आता है हेड लॉसेस, तो यहाँ से एच एल इजकल टू इतना प्रूफ करना था, वो भी आप कर सकते हैं। तो अपन ये फ्रेंड्स ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, थैंक यू, भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें इसी तरह।